ऐसा है कि शिवराज जी को जन आशीर्वाद चाहिए और पूरे प्रदेश में उन्होंने जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली। जब उनको आशीर्वाद अमित शाह का नहीं मिला, नरेंद्र मोदी का नहीं मिला, जेपी नड्डा जी का नहीं मिला, जब उनसे पूछा गया कि शिवराज जी आपके मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे क्या, तो उन्होंने कहा अमित शाह जी ने कि ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, तो फिर जनता क्यों आशीर्वाद दे। सेकंड, आशीर्वाद किस बात का? इस बात का कि प्रदेश को आपने बेरोजगार बना दिया। आशीर्वाद इस बात का कि प्रदेश को आपने कर्जदार बना दिया। आशीर्वाद आपको इस बात का कि किसानों के आत्महत्या में हम नंबर वन हैं, हम कुपोषण में नंबर वन हैं, हम मातृ मृत्यु दर में नंबर वन हैं, हम किसानों की इनकम में सबसे फिसड्डी, और फिर आशीर्वाद चाहिए क्यों? ये तो जन आक्रोश है। किसानों का भला शिवराज सरकार ने किया क्या? ये जन आक्रोश है। अरे हमारे बच्चे बेरोजगार है कि नहीं है? ये जन आक्रोश है। अरे भ्रष्टाचार प्रदेश में है कि नहीं है? ये जन आक्रोश है। ये आक्रोश, जन आक्रोश सड़क पे लाना कांग्रेस की ड्यूटी है, और वो हम कर रहे हैं प्रदेश के हित में। हमारी सरकार आएगी, कमलनाथ जी की सरकार आएगी, प्रदेश में समृद्धि आएगी, गरीब का, किसान का, युवा का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, व्यापारी का, कर्मचारियों का, सबका भला करने की हमारे पास योजना है। एक सवाल अहम है, हमेशा कांग्रेस पार्टी आवंटन को लेकर नुकसान भुगतती है, क्या इस बार कार्यकर्ताओं की मंशा कितनी मायने रहेगी? आपको ये टिकटधारी गाड़ी में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? भैया एक मिनट, एक सारे टिकट वाले एकजुट है कि नहीं बताओ भैया तुम लोग? अरे तुम मत बताओ, ये बताएंगे एकजुट हो कि नहीं हो? नीमच मंदसौर जिला जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो कांग्रेस का गढ़ बनेगा इस बार? कांग्रेस का नीमच मंदसौर जिला कांग्रेस का इस बार गढ़ बनेगा कि नहीं बनेगा? जीतू पटवारी जिनका कांग्रेसी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ उमड़ी है। उन्होंने प्रेस को भी अपना, जो मीडिया से बातचीत की, मीडिया से बातचीत करते हुए भी उन्होंने जबरदस्त रूप से बताया कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों के मातृ मृत्यु दर के यहाँ पर जो है मुद्दे हावी है, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार एकजुट है, और इस बार नीमच और मंदसौर जिला जो है कांग्रेस का गढ़ बनेगा, जिसे भाजपा का गढ़ कहा जा रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से साफ हो जाएगी, ये जीतू पटवारी का कहना है। जीतू पटवारी अब अपने समर्थकों के साथ, लाव लश्कर के साथ नीमच के लिए रवाना हो चुके, वॉइस ऑफ एमपी के लिए, मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।